तो ताड़ना माने मारना होता है, जैसे लिखा हुआ कि सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूजस गाँव संता, तो भैंस अपने आप दूध देगी, गाय अपने आप दूध देगी, दोहने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, हमारे यहाँ बिल्ली सबसे ज्यादा चालाक होती है, तो यहाँ का जज वो बनेगी, जजमेंट देगी कि जिनको पढ़ने का अधिकार है दिया गया है रामायण में, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र होने वाला है और ये ग्रंथ हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ होने वाला है, अगर आप पढ़ाओगे तो नरक जाओगे। तो सब सूत्र ही, वो भले अंडी लगाए है, अब अंडी छोड़ देगा, अब अंडी उनको दे देंगे जो हम लोगों ने बहुत दिन लगाई। अरे जूते से मानते हैं, मन से मानते हैं क्या, चमड़ी निकाल लेते हैं। आज भी हम जूता पहन के नहीं चल सकते, आज छाता लगा के नहीं चल सकते, आज हम कुर्सी में नहीं बैठ सकते, आज कुआं में पानी नहीं उनके साथ मार सकते। समाज ने आपको विधायक बनाया था, उसी समाज ने बनाया, इसलिए उनके लिए लड़ रहा हूँ। उनके लिए क्यों लड़ रहा हूँ, इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं अपने बाप को बाप कहता हूँ, मैं संविधान से चलता हूँ, मैंने संविधान की शपथ ली है। आलरी प्रजापति जी हमारे साथ हैं और इन्होंने एक मुहिम चलाई है, भैंस को पढ़ाएंगे, कुत्ते को पढ़ाएंगे, खरगोश को पढ़ाएंगे, तमाम जानवरों को पढ़ाएंगे। क्यों ऐसा आपने अधर्म का काम किया इस देश के अंदर, जबकि इनको पढ़ने का, शिक्षा का, रहने का, खाने का अधिकार नहीं है। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समय बदल रहा है जी। पहले हम लोग, हमारी माँ बहने स्तन नहीं ढकती थी जी, अब बाबा साहब अम्बेडकर का जमाना आ गया ना, तो संविधान के अनुसार चलता है। अब तो सिल्क की साड़ी पहन रही है, उसके बावजूद आप देश में शांति फैला रहे हैं। लेकिन मैं शांति नहीं, अशांति नहीं, शांति फैला रहा हूँ। हम लोग उनके साथ, अभी क्या हुआ है जी, शिक्षा सब कोई पा चुका है जी, और वो लोग कह रहे हैं कि हमने शिक्षा पा ली है। पहले क्या था, तुलसीदास जी की रामायण में लिखा था, ढोल गमार सूद पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी जी, तो ताड़ना माने मारना होता है, जैसे लिखा हुआ कि सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूजस गाँव संता जी, इनकी ही चौपाई है। तो अब इन्होंने लिखा है, अब ये जो नया संस्करण आया है उसमें ये कहा गया, नहीं भाई ये तो इन लोगों को शिक्षा देना चाहिए। तो अभी तो हम सब बदल रहे हैं, अभी तो हम स्कूलों का नाम नहीं लिखेंगे, ताड़ना हाई स्कूल, ताड़ना महाविद्यालय, ताड़ना विश्वविद्यालय, फालतू चीज़ें नहीं हम कर रहे हैं। अब जब हमारे ढोल को पढ़ने का आज़ादी के 70 वर्ष बाद मौका मिला, वो लोग कह रहे हैं तो ढोल बजाएंगे, रात को बजाएंगे, दिन को पढ़ाएंगे। जो गीता प्रेस ने कहा कि ताड़ना का मतलब शिक्षा है, उसको क्या अधिकार है इस शब्द का तात्पर्य बताने का? नहीं भाई, अब जो कह रहे, देखो सरकार उन्हीं की चल रही है, अभी हमारी सरकार तो चल नहीं रही है भाई। आज अभी कॉलेजियम सिस्टम है, आज उनकी 90% लोगों की सरकार नहीं है, 10% की सरकार है। तो जब 10% की सरकार है तो अभी सरकार में ही रहना है, अभी सरकार में ही कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, अभी वकील, अकील, उन्हीं के अनुसार चलना है, उन्हीं की जज के अनुसार चलना है। तो मेरा कहने का मतलब है, शिक्षा पाना है तो ढोल, हमने पूरे ढोल को इकट्ठा किया, गमार, तो जो गमार पीछे जो लठ लिए रहते हैं उनको किया, जो पढ़ लिख नहीं सकते, शूद्र, जो हंडी ऊपर लगाए रहता उसको भी मैंने दिखाया, पीछे झाड़ू दिखाया, और नारियों को, जो महिलाएं हैं उनको भी मैंने दिखाया, और पशु, पशु हमने उस दिन तो कम थे, हम एक भी पशु नहीं छोड़ रहे हैं। हम अभी उस दिन, एक दिन ने तो 1000 हमने सूअर इकट्ठा किए थे, उनके लिए हमने बैग भी बना लिए, सूअर बनाया मैंने, अब वो चराने वराने नहीं जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, बैल जो भैंसिया है, तो भैंस अपने आप दूध देगी, गाय अपने आप दूध देगी, दोहने की जरूरत नहीं है, शिक्षित अरे अब सब ये। अब क्या है, हमारे यहाँ बिल्ली सबसे ज्यादा चालाक होती है, तो यहाँ का जज वो बनेगी, जजमेंट देगी। हाँ पढ़ने के, बिल्कुल, जब पढ़ने लिखने का अधिकार है तो मैं तो एक भी पशु ने, मैंने 5000 अपने उनके बस्ते बनवाए हैं, और उस दिन तो हमने ट्राई, अभी मैंने टेलर दिया है, अभी तो आपके यहाँ छतरपुर के अंदर 5000 पशु, और हर पशु एक समाज, एक पशु नहीं जितने पशु हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं जंगल विभाग के जो पशु हैं बेचारे बन रखा परेशान रहते, बन रक्षक DFO परेशान रहता है, हम चाहते हैं इनको मोबाइल दिया जाए और ये अपनी स्वयं सागौन की लकड़ी रखाएंगे, ये अपनी स्वयं की रक्षा करेंगे, शेर अपने स्वयं की रक्षा करेगा, ये मूर्ख लोगों को क्यों लगाते हैं। तो जब हमारे लोग पढ़ जाएंगे तो कलेक्टर बनेंगे, SP बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई अनपढ़ लोगों की जरूरत नहीं। जिस तरह से आपने विरोध किया है इस चौपाई का, ढोल गवार शूद्र पशुमारी सब ताड़ने का अधिकारी, उसमें महिलाएं कहीं विरोध करती नहीं दिख रही आपके अलावा? अब देखिए ऐसा है, अभी तो शुरू हुआ है ना, वो तो कथावाचकों के यहाँ नाचती है महिलाएं, अभी क्या है, अभी जब ये पढ़े लिखे नहीं है ना, आप पढ़ा रहा हूँ ना मैं, आप पढ़े लिखे नहीं तो क्या कह रहे हैं। अब शूद्र का केवल पढ़ना, ब्राह्मण नहीं पढ़ेगा, पंडित जी नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने लिखा है कि जो पढ़ने का जिसको अधिकार है उनके एडमिशन नहीं होने देंगे,
हम विरोध करेंगे कि जिनको पढ़ने का अधिकार है दिया गया है रामायण में, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र होने वाला है और ये ग्रंथ हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ होने वाला है, अगर आप पढ़ाओगे तो नरक जाओगे, इसलिए शूद्रों को ही पढ़ना है, कुत्ते बिल्ली जानवर को ही पढ़ना है, और हम उन्हीं लोगों को पढ़ने देंगे और इनका भी मेनू बनना है। हमारे यहाँ मध्याह्न भोजन बनता है, तो हाथी के लिए मेनू बनेगा, घोड़ के लिए, गाय के लिए, गधा के लिए, सुमर के लिए, मतलब सभी को हम मनवाएंगे। और औरतें अब हमारे यहाँ जो वृद्धा पेंशन नहीं लेंगी, वो नौकरी करेंगी 60 वर्ष के बाद, क्योंकि ज़्यादा तजुर्बा रहता है। तो सब सूत्र ही, वो भले अंडी लगाए है, अब अंडी छोड़ देगा, अब अंडी उनको दे देंगे जो हम लोगों ने बहुत दिन लगाई, और जो पढ़ेगा नहीं उनको अंडी दे देंगे। अब तुम लोग को आप कर रहे हैं, आपके ऊपर आपने आरोप लगाया एसपी के ऊपर कि वो मेरा एनकाउंटर करना चाहता था, तो कहीं इस तरह की घटना हो गई तो आपका सपना तो अधूरा रह जाएगा। देखो, बाबा साहब का सपना अधूरा होया, कांसीराम जी का रह गया, महापुरुषों का, जब तक हमें नालायक समाज हमारा बना रहेगा, कई आरडी मर जाएंगे। और मैं चाहता हूँ जिंदा रहते हुए अपनी जीवन को दान देना चाहता हूँ इन अपने जो 90% लोगों को, कि मेरे जीते रहते हुए मैं अपने लोगों की पूरी तरह से सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और कहूंगा इनको 4-5 चीज़ें बंद कर दो। पहला तो इनकी टीवी बंद करो जी, जो टीवी सुबह से शाम तक गलत दिखाते हैं, टीवी गोदी मीडिया वाले। दूसरा, पेपरों में आग लगाओ, पेपर पढ़ो नहीं बिल्कुल। तीसरा, इनको वोट देना बंद कर दो। चौथा, इनको नोट देना बंद कर दो। और पाँचवा, आप पढ़ाई करो, 5 अधिकार, पढ़ाई, केवल पढ़ाई, क्योंकि पढ़ने का अधिकार हम ही को दिया। शूद्र हैं हम, 4 वर्ण होते हैं, 3 वर्ण पहले से, ब्राह्मण हो नहीं सकते, क्षत्रिय हो नहीं सकते, वैश्य हो नहीं सकते, तो शूद्र है। अब शूद्र को जब शिक्षा देने का अधिकार है तो मैं मूर्ख हूँ क्या? मैं भी MSc AG हूँ, मेरे लोग नहीं पढ़े हैं, गाली गलौज किया, दारू पिए था, रिवाल्वर चलाया, आपने टार्च उसको बताया और आपने उसके पूरे बर्तन साफ कर बर्तन फोड़ डाले, आपने घर में घुसकर मतलब 307 लगना चाहिए, 354 52 लगना चाहिए, बड़ी बड़ी धाराएं छोड़ करके एक दिन के लिए अरेस्ट हुआ। और अरेस्ट कब हुआ? जब हम लोगों ने तैयारी की कि 17 तारीख को माननीय आपके चंद्रशेखर, यही 17 मार्च को चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं और आपके मौर्य जी स्वामी प्रसाद मौर्य, और हम कम से कम 5 लाख इकट्ठे होंगे, तो डर के मारे इन्होंने पकड़ाया, कह रहे तो मिल नहीं रहा। अब जब सब जानते हो तो आपको पत्रकारों से एसपी को अर्जी लगा देना चाहिए था कि इनका भाई कहाँ, महाराज आपका भाई बताओ, तत्काल बता देते, तत्काल। अब ये टार्च बता रहे थे, अरे अब पहले कट्टा, फिर बाद में कट्टा बताया देसी, तो जब बाबा सब जानता तो टार्च कैसे बता रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। दलित शादी नहीं कर सकता अपनी बेटी की, भाई मैं कह रहा हूँ दलित है ये नहीं हिंदू राष्ट्र, हम लोग 4 वर्ण हैं, हिंदू में आते होते तो हम लोगों को नीचे क्यों बैठाया जाता। आज मैं बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी आदमी, ये जो तेली समाज की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री हमारे तेली समाज से हैं, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच के रात कोल कलवारा, हम वर्णों में अधम। आज भी तेली, माननीय, मैं माननीय मोदी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आज भी तेली सुबह निकल नहीं सकता, मुँह देखना पाप है, सवेरे सवेरे नहीं, अगर निकले तो जूते मिलेंगे, आज अगर निकल जाए, कुम्हार का मुँह देखना पाप, तेली का मुँह देखना पाप, किरार का जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है, परंपरा मानते हैं आप? अरे जूते से मानते हैं, मन से मानते हैं क्या? चमड़ी निकाल लेते हैं, आज भी हम जूता पहन के नहीं चल सकते, आज छाता लगा के नहीं चल सकते, आज हम कुर्सी में नहीं बैठ सकते, आज कुआं में पानी नहीं उनके साथ, उसी समाज ने बनाया, इसलिए उनके लिए लड़ रहा हूँ। उनके लिए क्यों लड़ रहा हूँ? इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं अपने बाप को बाप कहता हूँ, मैं संविधान से चलता हूँ, मैंने संविधान की शपथ ली है, मैं मनु की शपथ ली है और मैं संविधान का पालन करने वाला हूँ, करवाने वाला हूँ। सर जहाँ से आप आते हैं बुंदेलखंड में, तो दलित अभी भी जूते नहीं पहन सकते ठाकुरों के घर के सामने। अरे बड़े लोग कोई भी हो, ठाकुर बन नहीं, पंडित जी के यहाँ जो मंदिर कह रहे हैं ना, मंदिर, आप हमें मंदिर चले जाए तो आप क्या बताएं, पिछवाड़ा खराब कर देंगे। हाँ मंदिर जो चिल्लाते हैं, और मंदिर हम लोग मरते भरे हैं, एक भी आप कुआं में पानी नहीं भर सकते, हैंडपंप में पानी नहीं मिलते, आज भी अभी और कोई कहे तो मैं अपनी प्राण देने को तैयार हूँ, झूठ बोलता हूँ। अगर मंदिर में वो कह दे कि मैं प्रवेश करता हूँ, चले माननीय प्रधानमंत्री, चले मेरे साथ प्रवेश करवाए, माननीय मुख्यमंत्री चले, झूठ बोलते हैं वो, तो कहते सबका साथ सबका। अरे सबका साथ, यही तो जूता खाने का विकास है हमारा, लात खाओ, जूता खाओ, बहन बेटियों की इज्जत लड़वाओ, और काहे का साथ है, हमें वोट दो, नोट दो, सपोर्ट दो। 21वीं सदी में चल रहा सर भारत, अभी भी इतना अत्याचार हो रहा है। अब अत्याचार ना होता तो 5 लाख भीड़ क्यों इकट्ठी होती? भाई जहाँ अत्याचार कम हुए, जैसे यहाँ अत्याचार कम है, बगल में बैठ लेते हो सो कम आई भीड़, अगर छतरपुर के अंदर होती तो 1 लाख भीड़ होती, क्योंकि जहाँ ज़्यादा जूते पड़ेंगे
वही आदमी आएगा, मार नहीं पड़ती है तब नहीं आते हैं। यहाँ क्या है, बगल में चाय पीने को मिल जाती है, भाई साहब जिंदाबाद बैठ लेते हो तो बस उन्होंने कहा चलो अच्छा हो गया, सब समाज सुधर गया। जो जातिवाद के अड्डे हो गए हैं 100% मध्य प्रदेश चारा, मतलब कहते हैं जो जंगल राज है, और जंगल में तो अच्छा रहता है, नरकी जीवन है। 90% मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना, 90% आपके दिल्ली के अंदर हमारे लोग जो गंदे नाले के किनारे पड़े हैं, नौ उनको नौ वहाँ छोड़ के आ गए, कुछ ही नहीं है। घर घर में हमारे यहाँ चले जाएं, पूरे पूरे घरों में आपको ताले लेके लगे रहेंगे, केवल केवल बुढ़े आदमी जो 90 साल के 70 साल के ऊपर बैठे रहते हैं, और जो गए तो उनको लेकिन अमृत काल बता रही है सरकार तो देश में। अब इनके लिए तो अमृत है भाई, उनके लिए तो अमृत है, हम दो हमारे दो। जैसे माननीय मैं प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम दो हमारे दो, तो आप लोग जानते हो जब दो हैं उनके पास और तीसरा तो है ही नहीं है कोई, और बाकी बैग बैठ का सभी की नसबंदी हो गई है, पिछड़े वर्ग की सभी की नसबंदी। तो वोट किस दम पर मिल रहा है इनको? अब जैसे मैंने कहा ना, वोट इसलिए कि अनपढ़ है हमारे यहाँ, पढ़े लिखे नहीं है। अब हम पढ़ाने का कर रहे हैं। अगला जो 24 का चुनाव होगा और मध्य प्रदेश में 23 का चुनाव होगा, रिमोट SC ST OBC पिछड़े वर्ग के हाथ में होगा, माइनॉरिटी के, ये रिमोट हमारे हाथ रहेगा। अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, समझ रहे ना, तो हम ऑफ कर देंगे TV और दोबारा चुनाव होगा जिसमें बहुमत की सरकार बनेगी।